वेलकम टू श्वेताज किचन। तो चलिए आज हम बनाते हैं ब्रेड रोल। ये ब्रेड रोल बनाना बहुत ही आसान है, ये एक अच्छा टी टाइम स्नैक है। तो सबसे पहले उसके लिए हम एक पैन लेते हैं और उसमें हम मस्टर्ड मतलब राई डालेंगे और कड़ी पत्ता डालेंगे। फिर एक ओनियन को बारीक चॉप करके फ्राई करेंगे। इसको हल्का पिंकिश होने तक ही फ्राई करना है। इनको अच्छा फ्राई करेंगे, को बीच बीच में हिलाते जाएंगे हम। फिर मैंने 4 आलू लिए हैं, पोटैटो लिए हैं, बॉईल करके उनको ऐसे चॉप कर दिया है। उसमें फिर हमने सॉल्ट और रेड चिली पाउडर, अमचूर पाउडर, ये सब वही आलू में पहले ही डाल लेंगे। उसके बाद इसमें हम सारे आलू को डाल देंगे। ये हमारे ब्रेड रोल की स्टफिंग है। अब इस मसाले को अच्छे से भूनना है। लास्ट में गैस बंद करने के बाद आधा स्पून अमचूर पाउडर और डालेंगे, जिससे अच्छा इसमें खट्टापन आ जाए। अगर आपके पास हरा धनिया, कोरिएंडर लीफ हो तो वो भी इस पे डाल सकते हैं। हमारी स्टफिंग तैयार है, अब हम ब्रेड रोल बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले एक बाउल में पानी लेंगे, उसमें 3-4 स्पून हम दूध डाल लेंगे। अब हम ब्रेड लेंगे, ब्रेड आप ब्राउन या वाइट दोनों ले सकते हो। इस मिल्क में हम आधा स्पून सॉल्ट भी डाल लेंगे। अब हमने ब्राउन ब्रेड ले ली है, इसके सारी किनारियों को निकाल लेंगे साइड को। ये साइड वेस्ट नहीं जाती, हम इनका ब्रेड पोहा भी बना सकते हैं। अब ब्रेड को हल्का सा इसमें डिप करेंगे हम, जिससे ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। हमने सारी साइड निकाल ली है, अब इसको इसमें डिप करेंगे। इस पानी में दूध और सॉल्ट डालने से इसका स्वाद ब्रेड में अच्छे से आ जाता है और ब्रेड भी अच्छी सॉफ्ट हो जाती है। इसका हमें सारा पानी हाथों के दबा के निचोड़ना है। अब ये आलू की स्टफिंग को हमें इसमें स्टफ करना है और रोल बनाना है। ऐसे हमें चारों तरफ से ब्रेड को आलू के ऊपर लेके आना है और हल्के हाथों से दबा के ऐसे रोल बना लेना है। इसको बनाना बहुत ही आसान है, कोई भी आसानी से इसको बना सकता है। देखिए हमारा ब्रेड रोल तैयार हो गया है। एक बार हम और देख लेते हैं कि रोल कैसे बनाना है। तो चलिए फिर से ब्रेड लेते हैं, उसको पानी में डिप करेंगे और सारा पानी निकाल देंगे। बस उतना ही गीला करना है जिससे ब्रेड हल्की सॉफ्ट हो जाए और वो फोल्ड हो सके। इसमें स्टफिंग कर डाल देंगे, अब इसे रोल बना लेंगे। हाथों की सहायता से इसका अच्छा सा एक रोल बनाएंगे। देखिए दूसरा रोल भी हमारा तैयार हो गया है। इसी तरीके से सारे रोल बना लेंगे। आप इसकी जगह व्हाइट ब्रेड भी यूज कर सकते हो, जो भी ब्रेड आपको अच्छी लगे उससे बना सकते हो। अब मैंने ऑयल को गर्म करने रखा था, उसमें सारे रोल्स को तल लेंगे। इनको हमें मीडियम फ्लेम पे ही तलना है। अगर तेज पे करेंगे तो ये जल्दी से जल जाएंगे और अंदर से अच्छे से पकेंगे भी नहीं। ब्रेड रोल अगर ज्यादा गीले हो जाते हैं तो उनको सेट करने के लिए हम फ्रिज में 10-15 मिनट रख सकते हैं, जिससे ये सेट हो जाएंगे। अगर आप गीले ब्रेड ही इसमें डाल देंगे तो ये ज्यादा तेल अब्सॉर्ब करेगा और कढ़ाई में चिपक भी जाएंगे। तो गीले होने पर आपको इन्हें फ्रिज में रखना है। अगर आप हल्का ही भिगोएंगे तो ये गीले नहीं होंगे। देखिए हमारे ब्रेड रोल तल गए हैं, इनको अब निकाल लेंगे हम। इनका तेल अब्सॉर्ब करने के लिए हमने टिश्यू पेपर बिछाया है, जो कि इसका एक्स्ट्रा ऑयल हो तो सारा निकल जाए। देखिए हमारे टेस्टी ब्रेड रोल तैयार है।